मम्मी जी, राहुल 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 को ढूंढने जाना है। वो मुझे मुझे बुखार में पता ही नहीं चला कि आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है? यानी आज राहुल कहाँ गया होगा? राहुल मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं उसे ही तो ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे हर उस जगह पे ढूंढूंगी जहाँ पहले वो मुझे मिला। मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। मेरे पास ये रुद्राक्ष है, ये मेरी रक्षा करेगा। मैं उसे वापस ले आऊंगी, लेकिन अगर आप जाएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं उसे लेकर आती हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैम, मैं डिलाइट रेस्टोरेंट एंड बार का मैनेजर बोल रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं और घर की प्राइवेट लैंडलाइन का नंबर आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली मैम, मुझे ये पता करना था कि आप मिस्टर हर्ष चैटर्जी को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैम, मिस्टर हर्ष चैटर्जी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो वायलेंट हो रहे हैं और सबको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ अपने बाबा को साथ लेके। आप प्लीज थोड़ी देर उन्हें रोक के रखिए। बट मैम, वो रुक नहीं रहे हैं। वो किसी राहुल से मिलने के लिए बार बार जाना चाहते हैं। राहुल? जी मैम, बल्कि उनके मोबाइल के कॉल हिस्ट्री में पहला नंबर राहुल का ही था। तो मैंने उसी पे ट्राई किया था पहले। वो नंबर लग नहीं रहा था, इसी वजह से आपका ट्राई किया। मतलब दादा ने राहुल से बात की? फिर तो शायद दादा को पता होगा कि राहुल कहाँ है। हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम, जल्दी आइए। जी मैं आती हूँ मम्मी जी। हेलो बाबा, सर बैठ जाइए। कहीं बैठना नहीं है, राहुल से मिलने जाना है मुझे। छोड़ो यार, छोड़ो। देखो कैसे हंगामा कर रहा है। ए, घर का तमाशा कम था जो इधर तमाशा करने आ गया। बाबा प्लीज अभी आप चुप रहिए। दादा, मानवी तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डरना मत। और मैं ये राहुल को सबको ठीक कर दूंगा, सब ठिकाने लगा दूंगा। मैं कोई लूजर नहीं हूँ। हाँ, लूजर नहीं है तुम। बस यही दिन देखने के लिए हम जिंदा था। हमारा होनहार बेटा शराब पी के यहाँ तमाशा कर रहा है। शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म तो आपको आनी चाहिए बाबा। आपने कैसे जानवर से शादी कर दी अपनी बेटी की? हर्ष, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत, हमसे उल्टा बात करता है? मारेगा एक थप्पड़। बाबा नहीं। बाबा कम से कम आप तो शांत हो जाइए। दादा को तो होश भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप प्लीज शांत रहिए। मैम प्लीज इनको लेकर जाइए, इनकी वजह से हमारे सारे कस्टमर्स को डिस्टर्बेंस हो रहा है। सॉरी दादा, आपको पता है राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल को मैंने बुलाया। आपने बुलाया यहाँ बार में? नहीं, वो जहाँ कोई नहीं आता जाता है ना, वहाँ बुलाया उसको और ठीक कर दूंगा उसको मैं। इनका फोन कहाँ है? हाँ, इन्होंने कुछ कहा कि ये कहीं जाने वाले हैं या कुछ भी बताया हो इन्होंने? हाँ, ये कुछ घाट पर कुछ जाने की शायद बात कर रहे थे। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।